नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष फिर से आपके लिए जीके का कुछ ट्रिक लेकर हाजिर हूँ। आशा करता हूँ कि ये जीके ट्रिक आपको बेहद पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैंने आपको जीके का जो ट्रिक बनाया वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान के बारे में बताया है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के थे, इन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। तो इनके दरबार में जो विद्वान रहते थे उसके बारे में मैंने जो ट्रिक बनाया उनके इसका एक एक सेंटेंस से जो ट्रिक मैंने बनाया है। इनके दरबार में तकरीबन 9 विद्वान थे, बहुत सारे थे, लेकिन मैं जो फेमस हैं उन 9 को मैंने यहाँ पे रेखांकित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ट्रिक। बीवी भी बहुत आंसू बहाई काला धन पकड़ाया तो। अभी आपको पता है कि काला धन बहुत चर्चा में है, आजकल का विषय है, तो उसी से मैं रिलेट करके एक ट्रिक बनाया। और बीवी भी बहुत आंसू बहाई काला धन पकड़ाया तो। अब ऑब्वियस है कि किसी की बीवी आंसू तो बहाएगी ही, अगर उसका काला धन पकड़ा गया, बहुत सारे पैसे जमा करके रखे थे और जब वो पकड़ा गया तो वो आंसू बहाई। तो अब इससे रिलेट करके देखिए, एक एक पॉइंट समझते हैं। पहला है बी से विशाख दत्त, विशाख दत्त। दूसरा बी से है विष्णु शर्मा, जो कि पंचतंत्र के लेखक थे, विष्णु शर्मा। तीसरा है भी, भी से क्या, भास्कराचार्य, भी से भास्कराचार्य, या भी ए एस से हम भास्कराचार्य लिखेंगे, या बी एच से होता है, लेकिन भास्कराचार्य को भी ए एस से हम लिखेंगे, तो भास्कराचार्य भी से, भ आप याद कीजिएगा, भ से भास्कराचार्य। और आगे है ये भास्कराचार्य के बाद है बहुत, बहुत में है ब्रह्मगुप्त, ये बहुत ब्रह्मगुप्त, इससे ध्यान में आ जाएगा, बहुत ब्रह्मगुप्त। ये ब्रह्मगुप्त एक विद्वान थे जिन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जो कि न्यूटन का जो ग्रेविटी का सिद्धांत था वो सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने ही दिया था। इससे आपको याद हो रहेगा ये फैक्ट इनके बारे में, ब्रह्मगुप्त क्या कौन से सिद्धांत दिए थे, जो ये न्यूटन का जो ग्रेविटी का सिद्धांत था जो ब्रह्मगुप्त का ही था, सर्वप्रथम दिया गया था। आसू से आ से आर्यभट्ट, आ से आ यहाँ पे आसू, आसू में आ है तो आ से आर्यभट्ट, और सु से शूद्रक। आर्यभट्ट आपको पता है कि बहुत बड़े गणितज्ञ थे, और शूद्रक एक लेखक थे जो मृच्छ कटिकम, ये मृच्छ कटिकम एक पुस्तक है, उसका लेखक थे शूद्रक। आगे देखते हैं बहाई, ये बहाई जो ट्रिक का जो वर्ड है बहाई, बहाई से बराह मीर, बराह मीर मीर हीर, बराह मिहिर, ये भी एक बड़े गणितज्ञ थे उस जमाने के, तो इसे याद आएगा, बड़ा बहाई से बड़ा मिहिर। आगे है काला से कालिदास, धन से धनवंतरी, कालिदास भी आपको पता होगा, इनके बारे में तो काफ़ी फेमस है, धनवंतरी आयुर्वेद के पिता है, आपको ये पता होगा। इतना ही है, इसमें टोटल 9 है, तो इसे एक बार फिर मैं आपको दोहरा देता हूँ। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले विद्वान कौन थे, बीवी भी बहुत आंसू बहाई काला धन पकड़ा गया तो उससे इतना सारा आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। विजयनगर जैसा कि पता है कि राजा कृष्ण देव राय का जो साम्राज्य था वो विजयनगर साम्राज्य का था, वहाँ पे ये हम्पी इसकी राजधानी थी, जो अभी फेमस है हम्पी, जो कर्नाटका में विजयनगर, तो ये सब बहुत बड़ा हिंदू राज्य था, तो इसके अगेंस्ट में अगर ये बहुत बड़ा हिंदू राज्य होने के कारण इस पे आक्रमण कोई नहीं कर सकता था, तो चार लोगों ने, चार साम्राज्यों जो कि उसके आसपास के थे, चार साम्राज्यों ने जब जब अकेले उसको आक्रमण नहीं कर पाए तो चार साम्राज्यों ने मिल के विजयनगर पे आक्रमण किया था। तो उस चार साम्राज्य कौन कौन थे, तो गोवा में बीवी को दिल दिया, इस ट्रिक से हम याद करेंगे,
गोवा, गोवा से गोलकुंडा, गो से गोलकुंडा, आ से अहमदनगर, अहमदनगर ये भी दक्षिण, ये पूरे जितने भी हैं दक्षिण भारत के ही ये साम्राज्य हैं, वो विजयनगर के अगेंस्ट में ये चारों एकजुट हुए थे। तो गोवा में गोलकुंडा, आ से अहमदनगर, बी से बीजापुर, बी से बीदर, ये चारों साम्राज्य हो गए। और ये चारों का नेतृत्व किसने किया? आदिल अली आदिल शाह ने, दिल से आदिल, दिल से दिल यहाँ पे ही रिलेट करेंगे। तो इससे पता चलेगा विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था गोवा में बीवी को दिल दिया, यानी गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर। और इसका नेतृत्व किसने किया था? अली आदिल शाह ने। आगे है तमिल साहित्य का त्रिरत्न, तमिल में जो तीन साहित्य हैं, कंबन, ओट्टुकट्टन, पुंगलेंदी, ये तमिल के साहित्य हैं, इनको त्रिरत्न कहा जाता है तमिल साहित्य का। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो तमिल में क्या है, कॉमा एक वर्ड है मिल, मिल क्या होता है, लेंथ का ये मात्रक होता है, लेंथ का। तो तमिल में मिल होता है, और मिल कंबल क्या होता है, कंबल लेंथ से मिलता है, ना कि किलो और टन के हिसाब से मिलता है। कंबल जो कि आप उड़ते हैं तो वो भी टन लेंथ के हिसाब से मिलता है। तो उससे इससे हम रिलेट करेंगे, कंबल टन के हिसाब से नहीं, लेंथ के हिसाब से, लिंद, लेंदी, लेंदी मतलब लेंथ, लेंदी नहीं होगा कहते हैं कोई भी बर्ड, कहते हैं ये लेंदी है मतलब लंबा है। तो इससे याद करेंगे तमिल साहित्य का त्रिरत्न कंबल टन के हिसाब से नहीं, लेंथ के हिसाब से मिलता है। तो ये तीनों साहित्य तमिल साहित्य का त्रिरत्न है। आगे है एक और कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न, कन्नड़ जो कि ये कर्नाटका, जो कर्नाटका राज्य का है, कन्नड़ भाषा है। तो कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पंगपोन्नरन, ये पंगपोन्नरन, ये तीन साहित्य हैं जो कि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? कन्नड़ में दो न इसमें कॉमन है, इसमें ना ना कॉमन है, इसमें भी ना ना कॉमन है, सिर्फ इसमें पंग, पंग में भी ना है, ये इसको इस तरीके से पंग लिख सकते हैं, पंग लिख सकते हैं। तो ये इसमें भी ना है, इसमें भी आधा ना है, इसमें भी आधा ना है, इसमें भी आधा ना है, और कन्नड़ में भी आधा ना है। तो इससे याद हो जाएगा पंग पौने रन। तो ये थी आज का कुछ जीके टीक जो मैं आपके लिए बनाया था। आशा करता हूँ कि ये जीके टीक आपको बेहद पसंद आई होगी। और नीचे अगर आपको कुछ इसमें डाउट लग रहा है, इसको और अच्छे तरीके से इस टीक को बनाया जाए, इसके लिए अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो आपके फीडबैक का मोस्ट वेलकम है। और हाँ, एक और बात है दोस्तों कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके का जो इस तरीके का जो मैं ट्रिक बनाता हूँ, जिससे और भी लोगों को फ़ायदा हो। और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे इस तरीके का जो जीके का ट्रिक बनाया जा रहा है, उससे आपको फ़ायदा होती होगी। और ये जो मैं जितना भी ट्रिक बनाता हूँ, मैं सभी किताबों से, जैसे लूसेंट हो, स्पीडी हो, और भी बहुत सारे किताब होते हैं, आर एस अग्रवाल का होता है, बहुत सारे क्लास नोट्स होते हैं, और भी KD कैंपस का मेरे पास नोट्स है, यादव सर का नोट्स है। तो बहुत सारे मैं नोट्स को निचोड़ करके आपके लिए ये जीके का ट्रिक बनाता हूँ, ताकि आपको फ़ायदा हो और आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो बस यही आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। और अगर अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों तक के भी इसे अपने फेसबुक, ट्विटर हैंडल और ये व्हाट्सएप, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के साइट हैं जिस पे आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। और एक बार फिर से आप लोग ये वीडियो देखें तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू वॉच।